जनमाफी के मसले पर ESI कोर्ट का हवाला आपने दिया है, तो आपको क्या तकलीफ है? आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी वो कर दिया है, ESI का सर्वे जारी रहना चाहिए, तकलीफ क्या होती है? नहीं, हमको इस बात का खदशा है कि जो 23 दिसंबर 1949 को हुआ था, रात के अंधेरे में चोरों की तरह बाबरी मस्जिद में घुसकर वहाँ पर मूर्तियाँ रख दी गई थी मस्जिद के अंदर, और उसके बाद से मस्जिद में नमाज बंद हो गई, यानी 22 दिसंबर की रात में ईशा की नमाज हुई और 23 दिसंबर से वह नमाज बंद हो गई। उस वक्त के जो DM साहब थे, नायर साहब, ने उसको लॉक डाल दिया। हम अपनी मस्जिद से उस वक्त महरूम हो गए। फिर 1996 में राजीव गांधी की सरकार थी, बगैर मुस्लिम पक्ष को बोले ताले खोल दिए गए। 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने शिलान्यास का परमिशन दिया और वो तमाम विश्व हिंदू परिषद, BJP सब ये सुप्रीम कोर्ट को बोले कि हम बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे। अब क्या हुआ, बाबरी मस्जिद मेरे हाथ से चले गई। 23 दिसंबर 1949 को ये हुआ, फिर 86 को राजीव गांधी की सरकार थी, बगैर मुसलमानों को बताए ताले खोल दिए। और उस वक्त 86 में, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बोल रहा हूँ, उस वक्त टाइपराइटर नहीं था। 20 मिनट की सुनवाई में 25 मिनट का ऑर्डर दे दिया वो, और बाद में जज साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने ऑर्डर इसलिए दिया क्योंकि जब मैं कोर्ट पर बैठा था तो मैंने बंदर को देखा, और बंदर को देखने के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि कुदरत मुझे कुछ कह रही है। कि 6 दिसंबर को ये हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने ही परमिशन दिया था, इन तमाम लोगों ने कहा कि वह कुछ नहीं करेंगे। अब हमको खदशा ये है कि अब जब ASI की रिपोर्ट आएगी तो BJP RSS एक नैरेटिव सेट करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आने से पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि बिल्डिंग पुकार पुकार कर सक बैन दे दिया, वो नैरेटिव सेट कर रहे थे। अब जैसा ASI का रिपोर्ट आएगी, नैरेटिव सेट किया जाएगा पूरे देश में। उसके बाद मुझे को खदशा ये है, हम उम्मीद करते कि ना हो, हमको सुन लीजिए, हमको खर्चा है कि कहीं 23 दिसंबर ना हो जाए, हमको खर्चा है कहीं 6 दिसंबर ना हो जाए। खर्चा है एप्रीहेंशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो है हमको, और हम नहीं चाहते कि ऐसे कई बाबरी मस्जिद के इश्यूज खुल जाए। और आखिर में आपको याद दिला रहा हूँ, पर्सनली आप थे, हमारे दोस्त थे और हमारे आप ही थे, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था मैंने कहा था कि ये सब खुलेंगे, ये सब मसले बढ़ेंगे। और आखिर में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आप लोग पैराग्राफ नंबर 102 पढ़ लीजिए, पैराग्राफ नंबर 103 पढ़ लीजिए, पैराग्राफ नंबर 105 पढ़ लीजिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या, कि किसी भी समुदाय के रिलीजियस प्लेस का रिलीजियस कैरेक्टर ना बदला जाए। अब ये जो सर्वे होगा, इससे उस मस्जिद का रिलीजियस कैरेक्टर बरकरार रहेगा या बदल दिया जाएगा? जो योगी आदित्यनाथ ने कहा वो बात, वो कि रिलीजियस कैरेक्टर को रखने की बात थी या मस्जिद में से नमाज खत्म करने की बात उन्होंने की। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वाजे तौर पर, जिसमें अभी प्रेजेंट चीफ जस्टिस साहब भी उस बेंच में थे, उसमें पैराग्राफ नंबर 102 में उन्होंने कहा कि इन प्रोवाइडिंग अ गारंटी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप एज एग्जिस्ट ऑन 15/8/1947 एंड अगेंस्ट द कन्वर्जन ऑफ प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप, पार्लियामेंट डिटरमाइंड इंडिपेंडेंस ऑफ कोलोनियल रूल furnishes the constitutional basis for healing the injustice of the past by providing the confidence to every religious community that their place of worship will be preserved and that their character will not be altered
फिर अगर आप देखेंगे पैराग्राफ नंबर 103 में, द लॉ स्पीक्स टू आवर हिस्ट्री एंड टू द फ्यूचर ऑफ द नेशन, cognizant as we are of our history and of the need for the nation to confront independence of the watershed movement to heal the wounds of the past. Historical wrongs cannot be remedied by the people taking the law in their own hands. In preserving the character of place of worship, Parliament has mandated in no uncertain terms that the history and its wrongs shall not be used as instruments to oppress the present and the future. Aap paragraph number 5, maaf karna, aapka time le raha hoon bhai. Isme unhone wahi baat kahi thi. इसलिए हमने ये ट्वीट किया था सर, ये जुडिशरी और संवैधानिक संस्थाएं अपना काम कर रही है, आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप यानी कि कहीं ना कहीं जुडिशरी और संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठा रहे हैं, उठा रहे हैं नहीं, आप आपको उनका नहीं, 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 आपकी राय है, मेरी राय वो नहीं है, तो आप संशय क्यों जाहिर कर रहे हैं? अरे क्यों देखिए, दूध के जले छाछ को खूब खूब कर पियेंगे ना, 23 दिसंबर 1949 को हुआ फैक्ट है, कोई डिनाई नहीं कर सकता, 86 को हुआ कोई डिनाई नहीं कर सकता, ताले खोले गए, 6 दिसंबर 1992 हुआ जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उसको एग्रीग्रियस कहा, उन्हें अंग्रेजी वर्ड इस्तेमाल किया, डिमोलिशन को एग्रीग्रियस कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं हमको खच्चा के भाई नैरेटिव सेट करके आप 23 दिसंबर ना कर दें, आप 6 दिसंबर ना कर दें, तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं और नहीं, उनको मानना पड़ेगा, हमको मैं आपको सिर्फ तारीख में क्या हुआ था वो आपको बता रहा हूँ, और हम भी नहीं चाहते कि ऐसा बाबरी मस्जिद की इशू खुल जाए, हमको अब तकलीफ इस बात की है कि मुख्यमंत्री है, आप किसी की तरफदारी क्यों कर रहे हैं? वो तो अपने नहीं, आप मुख्यमंत्री हैं ना, आप मुख्यमंत्री हैं, आप कैसा किसी की तरफदारी करेंगे? और ऑर्डर आने से पहले आपने अपना उस पर इजहार ख्याल कर दिया, जो उसमें साक्ष्य मिले हैं उनका हवाला, अरे अरे वो अभी देखिए वो क्या मिले हैं नहीं मिले, कानून तो है ना 91 का। अच्छा और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि काशी विश्वनाथ का 1983 का एक्ट है, आप तो यूपी के हैं, 83 के एक्ट में सेक्शन 5 देख लीजिए जो डिफाइन करता है कि वो मंदिर का हिस्सा कितना है, 83 का एक्ट है वो, जिसको ज्योतिर्लिंग का जिक्र किया गया, वो सब कानून में रखते हुए मुख्यमंत्री ऐसी बात करेंगे? सर जुडिशरी अगर तो फैसला दूसरे पक्ष के हक में अगर देती है, क्या देती है, अगर क्या देगी एएसआई के रिपोर्ट्स के आधार पर देते, तो फिर आप वही बोलेंगे एक्स जस्टिस का जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे जो कमेंट किया था, फिर वही दोहराएंगे? नहीं नहीं मैं, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जस्टिस जेएस वर्मा थे, असदुद्दीन ओवैसी नहीं, जस्टिस जेएस वर्मा ने कहा था वो जुमला और तारीखी बात कही थी उन्होंने, फिर आप वही दोहराएंगे? अरे भाई देखिए क्या आपके मेरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन छीनना चाहेंगे, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीनना चाहेंगे मेरा, वो तो नहीं हो पाएगा ना, मैं तो अपनी बात करूंगा, संविधान के दायरे में रहकर बात करता है और करता रहूंगा, ये आपको खच्चा है कि हम ऐसा हमेशा नहीं सोच रहे, एएसआई पे भरोसा है आपका? हाँ अच्छा आप सुन लीजिए एएसआई के बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने ही बाबरी मस्जिद राम मंदिर में कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, ऐसा रिपोर्ट को खारिज कर दिया उन्होंने, उस केस में वही तो आपको बता रहे हैं, उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को माना ही नहीं, खारिज कर दिया उसको, ये तो सारी दुनिया में बाजा बजाए थे बीजेपी वाले आरएसएस वाले, उन्होंने कहा खारिज कर दिया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएगी, ये इस पर दिया कि बिलीफ है कि वहां पर पैदा हुए थे इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, मगर मंदिर तोड़ने की बात तो खारिज ही कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, मस्जिद तोड़ने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा एग्रीगेस एक्ट कहा उसको, क्रिमिनल एक्ट कहा उसको, और ऐसा की रिपोर्ट को बंद कर दिया उन्होंने। अभी भी एक्सक्लेमेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हमने साफ तौर पर कहा था जहां पर है उन्हीं के ऊपर, नहीं नहीं वो देखिए वो ऑर्डर है सही है, मेरे को ऐसा
खच्चा ये है कि कहीं 23 दिसंबर और 6 दिसंबर ना हो जाए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 91 का जो एक्ट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है पैराग्राफ नंबर 102, 103, 105, अब वही कह रहे हैं, हम भी नहीं चाहते कि इस तरह के हालात पैदा हों। इनडायरेक्टली नहीं कह रहे, हम जो भी कह रहे हैं आपके सामने साफ साफ कह रहे हैं, इसमें नहीं 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 देखिए, आप गैर जरूरी के उसको मेरे मुंह में अल्फाज मत डालिए। क्या ऐसा लगता है आपको इस बात का शुभ है कि ये जो एएसआई का सर्वे होगा उसके सर्वे की रिपोर्ट पब्लिक होगी मुझे खच्चा है कि जब रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद रिपोर्ट क्या आएगी मुझे नहीं मालूम। और जब रिपोर्ट आएगी तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे लोग बाज लोग। भाई देखिए, जब बाबरी मस्जिद का भी नैरेटिव सेट कर दिया गया था कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए के सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, खाली बिलीफ की बुनियाद पर दिया, अब कोई बोलता नहीं उस बारे में। सर यहाँ पर एएसआई की रिपोर्ट, एएसआई की रिपोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं मानते। यहाँ पर कुछ निशान है मस्जिद में बता रहे हैं सर, मस्जिद के। अरे बाबू, तो 91 का एक्ट किस लिए है? सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम मंदिर में क्या कहा था? और तीसरी बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पढ़िए, किसी भी जगह का रिलीजियस कैरेक्टर आप बदल नहीं सकते, वो कानून है। मुंबई ट्रेन में जो हादसा हुआ, सीआरपीएफ के जवान ने जो किया, उसके बाद एक चर्चा हो रही है कि जैसे पहले परसेप्शन होता था कि एक विशेष कम्युनिटी के लोग रेडिकलाइज होते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि मेजोरिटी में भी रेडिकलाइजेशन ज़्यादा हावी होता जा रहा है? मैंने पहली मरतबा नहीं, कई मरतबा मैंने इस बात को कहा है, बल्कि पार्लियामेंट में खड़े होकर मैंने कहा था कि होम मिनिस्ट्री में हर समुदाय के रेडिकलाइजेशन का यूनिट बनाइए आप, डी रेडिकलाइजेशन का। सुनती नहीं है बीजेपी की सरकार। अब आप बताइए कि कोई एक कांस्टेबल अपने एएसआई को गोली मारता, मीना साहब को जो ट्राइबल है, फिर उसके बाद हर कंपार्टमेंट में जाकर नाम पूछता है, ये दाढ़ी है, गोली मारता है तीनों को, एक कंपार्टमेंट, दूसरा कंपार्टमेंट, इसको आप तो पागल नहीं कहेंगे? ये पूरे होश आवाज में अपनी नफरत का इजहार कर रहा था, यूनिफॉर्म में है, जान बचाने के बजाय आप ले जाकर गोली मार दे, पकड़ के ले जाकर पेंट्री कार में मार दिया। ये जो हैदराबाद के हैं बेचारे, वो तो वीडियो है कि वो तकलीफ से तड़प रहे हैं और ये खड़ा हुआ है वहां पर। तो ये लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं, इनके डी रेडिकलाइजेशन के लिए सरकार क्या करेगी? क्या इस केस को एनआईए को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए सर? और आपने रेडिकलाइजेशन की बात की, जब आपके हमला हुआ था तभी आपने बोला था कि रेडिकलाइज एक सेक्शन है, वो स्टेट इंसिडेंट कर रहा है। इलाहाबाद में जो फायरिंग हुई उसके बाद भी एक खास तरह के नारे लगाए, तभी आपने ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं जिसको हम लोग, ये सरकार आंख बंद कर रही है, वीडियोस हैं इसके, नहीं वीडियोस हैं कि आप मेवात के उन गयूर लोगों को आप उठाकर मारते हैं। इसके पीछे वजह कभी सोचा है सर कि क्या है? नहीं, इसके पीछे यही है कि उनको लगता है कि बीजेपी की सरकार है और एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बन चुका है, तो उनका काम करते जाएंगे। आप बताइए कि मेवात में नूह में इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई, जो घर तोड़े गए उसको कहा था अवैध है, इलीगल है, पूरे के पूरे मुसलमानों के घर तोड़ेंगे आप, पूरे के पूरे। आप जो वीडियो जारी किए कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, क्या क्या नहीं कहा उस बकवास वीडियोस में। अच्छा, दूसरे दिन जब गुरुग्राम में रोड ब्लॉक किसने किया? जो लोग मस्जिद के इमाम का कत्ल किए उनका घर तोड़ेंगे आप? जो मस्जिद को जलाने की कोशिश की उनका घर तोड़ेंगे आप?
जो मस्जिद के दो आज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे, उनका घर तोड़ेंगे आप? नहीं तोड़ेंगे आप, आप सिर्फ मुसलमान का घर तोड़ेंगे? नहीं नहीं, अरे कहाँ तोड़े भाई, जो मस्जिद के इमाम का हत्ल किया उसका खड़ा घर तोड़िए उसका चलिए, जो मस्जिद को जलाया कोशिश किया उसका घर तोड़ेंगे आप? और अब क्यों तोड़ेंगे आप? अगर इलीगल था तो आपको नहीं मालूम था इलीगल है? जहांगीरपुरी में क्या हुआ था बताइए, ये तो हो रहा है ना, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? हो रहा है, बुलडोजर से इंसाफ करेंगे और किससे करेंगे इंसाफ आप? तो फिर कोर्ट, संविधान, सीआरपीसी की जरूरत ही नहीं है। और फिर आपका कौन है, आपके चैनल पर एक इंटेलिजेंस का आदमी का दिखाया गया, हिजबुल्ला, क्या नाम उसका, हिजबुल्ला रिपोर्टर ने किया था सर, एसआईटी, वो इंटेलिजेंस ऑफिसर कर हम लिख कर दिए हरियाणा सरकार को कि गड़बड़ होगी वहां पर, इनका इनकी नाहेली, इनका सपोर्ट, कॉम्प्लिसिटी पूरा जाहिर हो गई, एक नेशनल टीवी चैनल पर दिखाया गया इंटेलिजेंस का हरियाणा करे, हम बोले कि हम लिख कर दिए पूरा कि गड़बड़ हो सकती है, आपने क्या किया? फिर नू के मेवात के पूरे नौजवान भागे हुए हैं, कोई नहीं है गांव में अपने, आप लोगों को मालूम मेवात की तारीफ, आप लोगों को महात्मा गांधी वहां पर जाकर इन मेवातियों को बोले थे कि मत जाओ पाकिस्तान को, यहां पर रुको। अरे आपको मालूम ये लोग वो लोग हैं जो आजादी के लाइन में अपना सब कुछ कुर्बान किया, जाए आप उनसे ऐसा सुलूक कर रहे हैं, सरकार ऐसा सुलूक कर रही है उन लोगों से अपनी नाकामी को छुपाने के लिए? अच्छा उसको क्यों नहीं पकड़ते जो वीडियो बनाता है, जिसको आपने हथियार का लाइसेंस दिया है, जो आरोपी है जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया वीडियो बनाता है? हरियाणा के मुख्यमंत्री को नहीं मालूम कि ये शख्स आपके प्रदेश में बैठा हुआ है? और फिर सरकार बोलती वो नहीं था तो इसका मतलब कहां है, फिर पकड़िए ना। और तरफे तमाशा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बोलते कि हरियाणा की सरकार हमको कॉपरेट नहीं करे, सुप्रीम कोर्ट जाइए, संविधान का हवाला दीजिए और बोलिए ये लोग हमारा आरोपी को पकड़ने नहीं दे रहे। हम सर आपके कुली लोकसभा के आपके कुली और आपके काफी दोस्त का कोर्ट में जो भी निधन हुआ था, मतलब सदस्य था उसको वो कर दिया, उस पर कुछ आप बोलेंगे? राहुल गांधी के बारे में देखिए भाई, मेरा दोस्त प्रमोद है, मेरा दोस्त आशीष है, मेरा दोस्त प्रसाद है, आप बशीर है, मैडम है, आप हैं, आप सब मेरे दोस्त हैं, मेरे दुश्मन कोई नहीं, सब मेरे दोस्त हैं, मैं सब नहीं नहीं मत, ये आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वही दोस्त है और आप दुश्मन है मेरे? आपके हाथ में कैमरा जरूर है मगर आप मेरे दोस्त हैं, सब दोस्त हैं। तेलंगाना सरकार ने कंपनसेशन बोलेंगे आप? हाँ हाँ भाई, उनको रिलीफ मिल गया कोर्ट से, जीत मानी जा रही है सर, इंडिया कांग्रेस की बड़ी घंटे के अंदर 600 किलोमीटर दूर जो फैसला हुआ तो 24 घंटे के अंदर तुरंत तुरंत कार्यवाही की गई, तो 4 किलोमीटर दूर है सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से, तो क्या ये संसद में जल्दी से वो करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए 24 घंटे से कम? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद तो हो जाएगा, वो क्या है, उनको तो रिलीफ मिल गया। तेलंगाना सरकार ने कंपनसेशन अनाउंस किया सर एमआईएम की पहल पे, क्या बाकी राज्यों को भी, खासतौर पर आज जयपुर में काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन हो रहा है कंपनसेशन की मांग को लेकर जो जयपुर एक्सप्रेस? अब देखिए हमको गाली दी जाती है, फुलाटी इनसे मिले हुए हैं, उनसे मिले हुए हैं, कोई बोलता है कि मोहब्बत की दुकान फना फना, अरे भाई दुकान है तो चलाओ ना, फिर करो ना कुछ। जब केसीआर की सरकार यहाँ पर उनको 2 BHK देती है, उस मरने वाले के तीनों बेटियों को 2-2 लाख देते हैं, और वो ऑर्डर भी इशू हो गया, जल लगे ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहा गया, देखिए ऑर्डर इशू हो गया है, कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, अनुदीप साहब का है 937/2022/2023 2 BHK का घर दिया जाएगा आसिफ नगर जियागुड़ा में, फिर उनको विडो पेंशन का भी ऑर्डर इशू हो गया, तीसरा ये कि खोली बुदुक्षा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में वो विडो को अपॉइंटमेंट किया जाएगा आउटसोर्सिंग बेसिस के ऊपर, ये तो हो गया ना, ये तो हम करा दिए। अब जिसको गाली देते हैं ये टीम वो टीम फुला टीम, और फिर आप अपने अपने उसमें KCR को भी नहीं बुलाते,
और फिर आप बोलते हैं कि हम बड़े सेकुलर हैं। अरे भाई, कम से कम KCR ने कहा, आईना दिखा दिया आपको, आप भी करिए। बिहार प्रदेश को करना चाहिए, राजस्थान की सरकार को करना चाहिए। भाई आप लोग तो सेकुलरिज्म के चौधरी है ना, आप तो दुकान चलाते हैं, बांटते हैं सर्टिफिकेट, ये कम्युनल, ये सेकुलर, वो टीम, ये टीम। अरे भाई आप करिए ना, क्यों डर रहे आप करने से? जब तेलंगाना कर सकता है तो नीतीश कुमार को और अशोक गहलोत को भी करना चाहिए, करिए ना भाई। उनके वो मीना साहब के लिए भी करिए, सबके लिए करिए। एक आतंकवादी ने इनका कत्ल किया है, एक टेररिस्ट एक्ट है वो जयपुर का, आप करिए, क्यों नहीं करते आप? आप लोग तो बड़े बड़े सेकुलरिज्म सर्टिफिकेट बांटने की फैक्ट्री आपके पास, आप ही नहीं कर रहे हैं, अफसोस हो रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे चीफ मिनिस्टर का कि हमारे रिप्रेजेंटेशन पर इमीडिएटली ना सिर्फ अनाउंसमेंट किए बल्कि वो आज बुलाकर उनकी वीडियो को, उनके बच्चों को ऑर्डर दे दिए। इसको बोलते गवर्नेंस, इसको बोलते कमिटमेंट टुवर्ड्स रूल ऑफ लॉ, इसको बोलते कैसे टेररिज्म से मुकाबला किया जाए। ये सरकार का कमिटमेंट होना चाहिए। आप ही नहीं इनके पास खाली बस बोले जा रहे हैं, मिलेंगे बैठेंगे। साउथ कश्मीर में 3 हमारे सिपाही मारे गए, क्यों हंगामा नहीं हो रहा इस देश में? क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, बीजेपी की सरकार है बोलकर 3 हमारे सिपाहियों को आतंकवादी पाकिस्तान से आके मार दिए, और आप वर्ल्ड कप मैच खेलेंगे अहमदाबाद में? बताइए कौन सी मोहब्बत है ये भारत से? और फिर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आपको कह रहा हूं, आज की इंडियन एक्सप्रेस की फ्रंट पेज पे है कि 251 टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए जम्मू कश्मीर में जनवरी 2021 से मई 2023 इस साल में। माने 15 खाली जम्मू के 3 जिले में हुए और 236 वैली में हुए। हाँ बताइए, वैली में 129 में 100 और 7 हुए। सिविलियन कैजुअलिटी वैली में सबसे ज्यादा है, 60 है 2021 से अब तक। तो क्या हो रहा है? इससे पहले 2021 सितंबर में, शायद अगस्त में, हमारे 5 जवान मारे गए फॉरेस्ट में, हम जाकर पाकिस्तान से मैच खेलिए। आज देखिए हम 3 सोल्जर मारे जा रहे हैं, फिर हम खेलने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। मतलब वहीं से जहां पर वो थैंक यू मोदी कर रही है और हाँ, तो उनको हाँ अपने आप की फ्रीडम जो है वो बता रही है। नहीं, बहुत अच्छा है मैडम, मगर उस महिला को, ये जो 3 सिपाही मरे हैं उनकी महिलाओं का, उनकी अगर वो शादीशुदा उनकी माँ है तो उन महिलाओं का क्या होगा? मोटरसाइकिल पर डाल रहे तो खुश, और ये जो 3 सिपाही हमारे मारे गए कल, पाकिस्तान से टेररिस्ट आकर मार रहे हैं, इन इन इनके घर के महिलाओं के बारे में कौन बात करेगा? कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ के जम्मू में जाकर रह रहे हैं, उनके बारे में कौन बात करेगा? ये कौन सा नेशनलिज्म बीजेपी का, बताइए ना। देखिए, जब आप ही ने कहा था कि आतंकवाद और क्रिकेट मैच साथ नहीं चलेगा, बातचीत और बिरयानी साथ नहीं चलेगी, मैंने कहा था। आज हम आपसे पूछ रहे हैं कितने हमारे सिपाही मारे जा रहे हैं, 370 हटाने का जश्न मना रहे हैं, मगर बताइए ये जो आज की रिपोर्ट है एक नेशनल न्यूज़पेपर में, कुछ झूठ है क्या? 251 इंसिडेंट्स हुए जनवरी 2021 से मई 30 इस साल तक, और कल हमारे 3 सिपाही मारे गए। 5 मई को 5 सिपाही मारे गए, अप्रैल 20 को 5 सिपाही मारे गए ट्रक में। ये सब क्या है? पाकिस्तान से टेररिस्ट आ रहे हैं ना, इस पर तो सोचना चाहिए देश को। भाजपा एक आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव किया गया उसमें आपने भी किया है, तो ये कहीं ना कहीं मिली भगत बी टीम वाली जो बात है उसपे बहुत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? मैं तो उठकर पूछा अमित शाह से, बताओ मैं कौन सी टीम का हूँ, अब और क्या करूँ मैं? आपके दोस्त जगन है लेकिन वो उस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। आपके दोस्त जगन जो है वो उस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं उनके साथ।
जगन के फैसले जगन अपनी पार्टी के मुताबिक करेंगे, ओवैसी अपने फैसले अपनी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर करेगा। लेकिन दोस्ती बरकरार? अरे दोस्ती क्या, मैं उनके पुराने जमाने से जानता हूँ, वो स्कूल में मेरे जूनियर भी थे, और है तो उनकी पार्टी का है, उनके हालात अलग है, उनकी मजबूरी अलग है, क्या क्या है वो सब जानते हैं। सर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है ये हफ्ते में, तो डिस्कशन होगा तो आपको क्या लगता है? हम तो उस नो मैं तो बीआरएस पार्टी के नो कॉन्फिडेंस मोशन पर मैंने दस्तखत की है, हम उस नो कॉन्फिडेंस मोशन में बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे और डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे। मणिपुर में फिर से हिंसा घटी है सर, मौतें हुई हैं। अरे मौतें नहीं, हथियार लूटे गए, हथियार लूटे गए और हथियार लूटे जा रहे हैं, और जब तक वहां के मुख्यमंत्री को नहीं हटाया जाएगा वहां पर हिंसा खत्म होने वाली नहीं है, वहां पर कंटिन्यूस उनकी लोगों पर जुल्म होता आया, होता रहेगा। कितने 90 दिन हो गए अभी तो वायलेंस हिंसा खत्म ही नहीं हो रही। आपने अपनी तरफ से कोई रिपोर्ट मंगवाई या आप जाना चाहेंगे उधर की कैसे हालात है, क्या है, क्या आपकी अगर तरफ से अगर क्या? अगर भारत सरकार ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर जाती है मणिपुर को, बराबर हम जाएंगे उसमें, क्यों नहीं जाएंगे। मणिपुर की जनता को मरम लगाने की ज़रूरत है, मणिपुर के महिलाओं को ये एहसास दिलाने की ज़रूरत है, ये पैगाम देने की ज़रूरत है कि पूरा भारत उनके साथ खड़ा हुआ है। सिर्फ एक वीडियो आने से अगर हम शर्मसार होते हैं तो बड़ी तकलीफ की बात है, ऐसे कई महिलाओं का रेप हुआ है। हम सिर्फ रिएक्ट करेंगे वीडियो देखकर, या फिर हम अपनी इंसानी सोच से भी देखेंगे कि वहाँ पर हो रहा है। पार्लियामेंट में सीरियसली इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए सर, सारे डिफरेंसेस पॉलिटिकल डिफरेंसेस भुला के सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर मणिपुर में बात करनी चाहिए। मैं तो ऑल पार्टी मीटिंग में स्पीकर साहब से कहा था कि सर आप हमारी राय है कि आप डिबेट करवा दीजिए, प्रधानमंत्री आए या ना आए, यकीनन हम चाहते हैं डिबेट हो, पूरी पार्लियामेंट से एक आवाज में पैगाम जाए मणिपुर की जनता को, खासतौर से माइनॉरिटी कुकीज को कि भाई हम आपके साथ हैं, और जब तक बीजेपी मुख्यमंत्री को नहीं हटाएगी वहाँ कुछ नहीं होने वाला है। आप सिर्फ एक सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन उन महिलाओं के रेप का वीडियो आने पर कह रहे हैं, बल्कि पूरा हर केस वहाँ से निकालेंगे पुलिस के पास, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लोकल पुलिस इंसाफ नहीं करेगी, हथियार कोई बुरा हथियार लूटे कोई बुरा हथियार बांटे गए। आप बताइए भैया 6 लाख राउंड कोई लूटता है क्या, 6.5 हज़ार हथियार लूटे चले गए कल, 2 दिन पहले फिर हथियार लूटे गए। हाँ नहीं अच्छा है ना, फायदा तो होगा ना लोगों को, उससे क्या करना है, पार्टी को भी फायदा होगा। हाँ बिल्कुल होगा, अरे गरीब को फायदा होगा, गरीब को फायदा होना ना, चुनाव से पहले पार्टी को फायदा होगा इस तरीके से। अरे देखिए गरीबों को तो फायदा होगा ना, मतलब आप टीआरएस को सपोर्ट करेंगे इलेक्शन में? नहीं नहीं, आप आपने तो कहाँ से कहाँ लिख जा रहे हैं, अभी अभी मुहूर्त ही नहीं निकला इलेक्शन का, जब मुहूर्त निकलेगा बात करेंगे। जब अपीसमेंट पॉलिटिक्स नहीं है सर, कैसा अपीसमेंट पॉलिटिक्स बोल रहे हैं उसको आप, जब सिर्फ मुसलमानों का मिल रहा है उसमें, बैकवर्ड क्लास के जो हमारे भाई का जो प्रोफेशन है उनको भी मिल रहा है, वो माइनॉरिटीज में मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को भी मिल रहा है, तो इसमें अपीसमेंट कहाँ हो रहा है, गलत है बात, सबको दिया जा रहा है। सर बीआरएस पर लगातार ये आरोप लगा है कि इलेक्शन से पहले कई सारे स्कीम लाए जाते हैं, वेलफेयर स्कीम अनाउंसमेंट किए जाते हैं, उसी प्रकार से अभी आप छोड़ देना, ये कांग्रेस की जमाना बात करो तो मैं क्या बोलूँ, बोलते रहते बेचारे, उनको समझ में नहीं आ रहा उन लोगों को, वो खाली दुकानदार है दुकानदारी की बात करते, अरे दुकानदार है तो नाइन साहब के खिलाफ चुप्पी क्यों है भाई, बोलो ना, आप दुकान खोल के बैठे हैं। सर ये आरटीसी मुद्दे को कैसा देखते हैं, जो गवर्नमेंट अभी अप्रूव करने जा रही है और गवर्नर रोक के रखा है, क्या रोक के रखा, गवर्नर कैसा रोकते हैं, देखिए पॉलिसी मैटर जो है एक इलेक्टेड सरकार करती है, गवर्नर क्यों रोकेगा उसको, ठीक है आप एक बार आप भी जाती है फिर लेंगे कानून बना के, जब क्या करेंगे गवर्नर, मानना पड़ेगा उनको।
एक इलेक्टेड सरकार एक पॉलिसी डिसीजन लेती है तो बड़ी अफसोस की बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को रोक रही है। आप एक्सप्लेनेशन कॉल करिए, मैं रोकना क्या बात है, और इतने आरटीसी के लोग हैं उनका गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाएगा ना। सर पांच क्वेरीज कुछ रेज किए हैं, उसके ऊपर क्लैरिटी मांगे हैं। ठीक है, वो जवाब देंगे, बट आप ऐसा रोक नहीं सकते, एक पॉलिसी मैटर है सरकार का, वो पॉलिसी मैटर डिसीजन लिए है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है। मुझे मैं किसी टीम में नहीं हूँ, हम अपना मैच खुद खेलेंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन एडमिट हो गया तो शायद अब उसमें सब बोलेंगे। नहीं, इम्पोजिशन नहीं करना चाहिए किसी का, इम्पोजिशन क्यों करेंगे आप, लफ्ज इम्पोजिशन खुद ही गलत है। वो हो गया ना?